सर जी ना ही रोटी 16 रुपए की हुई है, ना ही नान 25 रुपए का होया, ना ही आटे की कीमत ही फर्क आया है। अज गया वह लैन, उन्हें 30 रुपए का नान दिता है तो 20 रुपए की रोटी दीती है, तो मेरी दुकान है तो ना ही हली आटे दे वेचे कोई भी फर्क पिया है। रेट ओ ही है 1300 का 1300, 10 किलो वाला थैला। फर्क तो कोई नहीं पैना, अगर दुकानदार नुकसान ही होएगा। मसलन इन्होंने आटा भी उही रेट दे रहे हैं, फैन का रेट भी उही दे रहे हैं, तो रोटी इन्होंने जी 16 रुपए की कर दी, नान 20 रुपए का कर दिता जे। इस हवाले तो दुकानदार नुकसान हो सकता जे, कोई ये इन्नी प्रॉफिट नहीं हैगी, तो मसलन नुकसान ही जे दुकानदार। हाँ जी देखो, अगर इन्होंने आटे का ज मैदे का रेट यही रखिया तो फिर असी भी इधरों आटा दे वजन पेड़े का वजन घटावे, नान का वजन घट जाएगा, यह हो सकता जे। जे अगर इन्होंने घटा दिता तो फिर असी अपना वजन जरा पूरा देवे। इसके बारे में ये है कि हमारी वजीरे आला पंजाब जो है इन्होंने अनाउंस कर दिया है कि हमने आटे की जो कीमत है 20 किलो का आटे का थैला जो है उसमें 500 रुपये कमी की है, और नान की कीमत को हम 20 रुपये और रोटी की कीमत को हम 16 रुपये कर रहे हैं। लेकिन मार्केट में सुबह से हम फिर रहे हैं, लेकिन किसी भी शॉप पे ना तो नान 20 का मेरा, ना रोटी 16 की मेरी, और ना ही आटा उस रेट पे मेरा जो उन्होंने रेट बताया 500 रुपये हमने कम किया।